हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अनीता। आज हम लोग गुलकंद की रेसिपी बनाएंगे। गुलकंद डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और गर्मियों में थोड़ा कूलिंग भी होता है। तो चलिए हम लोग गुलकंद बनाते हैं। हम लोग गुलकंद बना रहे हैं। उसमें ये 30 गुलाब है और एक कप पिसी हुई चीनी है, हनी है। चीनी में थोड़ी 2 चम्मच मैंने सौंफ पीस लिए साथ में, और आप लोग अगर चाहो तो इलायची भी डाल सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फूल को थोड़ा तोड़ तोड़ के इसमें डाल लेंगे। एक नीचे लेयर बना देंगे गुलाब की पत्तियों की। अब इसमें थोड़ी सी चीनी डालेंगे। इसको फैला देंगे। फिर हम लोग पंखुड़ी डालेंगे फूल की पत्तियां। फिर हम लोग चीनी डालेंगे। हनी डालेंगे। नीचे भी लेयर में हनी देना है, इसमें भी देना है। हनी देने से चीनी जमेगी नहीं। इसको थोड़ा सा फैला देते हैं। फिर से फूल डालेंगे। फिर से शुगर डालेंगे। हनी डालेंगे। थोड़ा हनी फैला देंगे। फिर से फ्लावर्स डाल देंगे। फूल को मैंने 2 बार धो लिया था खूब अच्छे से, और पानी पूरा इसका सुखा दिया है। अगर पानी नहीं सुखाएंगे तो फिर गुलकंद खराब हो जाएगा। अब ये पूरी शक्कर इसमें डाल देंगे। अच्छे से फैला देंगे। इसमें हनी डालेंगे। अब इसको बंद करके 4-5 दिन हम लोग धूप में रखेंगे। इस तरीके से हो गया है। अब हम लोग इसको 4 से 5 दिन धूप में रख देंगे। ठीक है, धूप में ही ये पूरा पकेगा अच्छे से।